वाराणसी में सफाई कर्मचारियों के सम्मान के दौरान एक सफाई कर्मी महिला सुनीता ने मंच पर ही सीधे सीएम योगी से कह दिया कि सम्मान से पेट नहीं भरता। इस दौरान मंच पर मौजूद राज्य मंत्री इशारों में महिला को मंच से भगाने लगे। सम्मान से पेट नहीं भरेगी। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज आपको हम दो खबर बताएंगे। पहली खबर बनारस से है। बनारस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है एक महिला सफाई कर्मी योगी आदित्यनाथ को मंच पर कह रही, सम्मान से पेट नहीं भरता है, हमें वेतन हमारा बढ़ाइए, वेतन मान बढ़ाइए, क्योंकि सम्मान देने से कुछ नहीं हो जाएगा, सम्मान देने से हमारा घर नहीं चल जाएगा, यह प्रशस्ति पत्र देकर आप लोग सब कुछ कर लोगे लेकिन मुझको कुछ नहीं मिलने वाला। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिरकार प्रयागराज में छात्रों ने क्यों मशाल लेकर सड़कों पर निकल पड़े और क्यों मशाल उठाई, यह भी आपको बताएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहली खबर जो है उस पर बात कर लेते हैं। एक वीडियो ट्विटर पर इस वक्त वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक कार्यक्रम रखा गया बनारस में, और बनारस के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ भी, उनके साथ मंत्री वगैरह भी हैं, और योगी आदित्यनाथ सम्मान दे रहे हैं सफाई कर्मियों को, और सफाई कर्मी महिला उनके पास पहुंचती है और प्रशस्ति पत्र जब उसको देते हैं तो योगी आदित्यनाथ से तौर पर कहती है कि योगी आदित्यनाथ जी, सम्मान से पेट नहीं भरता है, सम्मान से कुछ नहीं होने वाला, आप हमारा वेतन मान बढ़ाइए। ये बात उसने कही तो राज्य मंत्री बैठे हुए तो उन्होंने हाथ से इशारा किया, चलो चलो हटो हटो यहां से हटो। उसके बाद वो महिला मीडिया के सामने भी आई और मीडिया के सामने भी वही वक्तव्य रखा जो उसने मंच पर योगी आदित्यनाथ के सामने रखा था। यानी वो महिला बिल्कुल भी सत्य कह रही थी, झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसने दोनों वक्तव्यों में वही बातें कही थी। सीधे तौर पर महिला ने कहा कि भैया सम्मान से कुछ नहीं हो जाता, और वाकई में जो है सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक दिखावे के तौर पर किया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, इस प्रशस्ति पत्र से कुछ नहीं मिलने वाला, ये प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, घर में टांग दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद उस महिला कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ ये एक रणनीति के तहत काम किया जाता है, और वही काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। तो जरा पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे और फिर दिखाएंगे कि महिला ने पत्रकारों के सामने क्या कुछ बातें कही है। देखिए जरा ये अजीबोगरीब हालात उस वक्त पैदा हुए जब वाराणसी में सफाई कर्मचारियों के सम्मान के दौरान एक सफाई कर्मी महिला सुनीता ने मंच पर ही सीधे सीएम योगी से कह दिया कि सम्मान से पेट नहीं भरता। इस दौरान मंच पर मौजूद राज्य मंत्री इशारों में महिला को मंच से भगाने लगे। तो वीडियो देख लिया आपने, महिला ने सीधे तौर पर कहा कि सम्मान दीजिए सम्मान साहब, लेकिन सम्मान नहीं मिल रहा था, उसको अपमानित किया गया, वो सम्मान की बात कह रही थी, और सम्मान से प्रशस्ति पत्र देने में नहीं है, सम्मान इसमें है कि उस महिला को इस काबिल बनाया जाए कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, वो अच्छे स्कूलों में शिक्षा दे सके अपने बच्चों को, उनका भविष्य सुधार सके, वो यही बात कह रही थी। असली सम्मान तो वो है, सम्मान से किसी का पेट थोड़ी ना भर जाएगा, प्रशस्ति पत्र से किसी का पेट थोड़ी भर जाएगा, फोटो खिंचाने से सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। अगर इनके बारे में सोचा जाए, इन सफाई कर्मियों के बारे में सोचा जाए, इनके वेतनमान के बारे में सोचा जाए, तो कहीं ना कहीं स्थितियों में सुधार हो सकता है, लेकिन वो नहीं सोचा जा रहा है, सिर्फ एक पब्लिसिटी की जा रही है, एक पब्लिसिटी स्टंट है। उसके बाद महिला ने बकायदे जो है वो बयान भी देते हुए कहा, बयान पत्रकार दिया कि मैंने ज्ञापन भी दिया है योगी आदित्यनाथ जी को इस बारे में कि वेतन बढ़ाइए, वेतनमान बढ़ाइए, क्योंकि वेतन मान नहीं बढ़ेगा तो काम नहीं चलेगा, सम्मान से किसी का पेट नहीं भरता। जरा आप ये भी सुन लीजिए, बन दिया है सम्मान से पेट नहीं भरेगी, सम्मान से ताली बजाएंगे खत्म हो जाएगी, अगर जीने लायक की वेतन दे देगा तो मेरे बच्चों की पेट भर जाएगी, ना ज्ञापन दिए उनको। तो अब जरा आप बताइए कि किस तरीके से सम्मान से पेट नहीं भरता की बात योगी आदित्यनाथ को समझ में आएगी? क्या योगी आदित्यनाथ इस महिला के बारे में सोचेंगे कि जो महिला है, जो सफाई कर्मी है, जो सफाई करती है, लोगों को कोरोना के दरमियान लोगों ने कैसे बचाया था, यह भी आप बखूबी जानते हैं, क्या उनकी बातों को वाकई में योगी आदित्यनाथ जी ध्यान देंगे, क्या वाकई में जाकर अधिकारियों की बैठक लेंगे, उसके बाद ये सब कहेंगे कि देखो ये जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है, उनका वेतनमान बढ़ना चाहिए, लेकिन इस बारे में चर्चा नहीं होगी, वो तो सिर्फ सम्मान की बात हो रही थी। आप वीडियो बकायदे आपने देखा कैसे मंत्री जी भी बगल में कह रहे थे निकलो निकलो यहां से हटो हटो, जो राज्य मंत्री थे, उस महिला ने हाथ जोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की थी कि साहब देख लीजिए सम्मान से कुछ नहीं होता है, जरा आप वेतनमान के बारे में भी थोड़ा देख लीजिए, तो उसको वहां से सम्मान के जरिए अपमानित करके मन से उतार दिया गया। आप समझिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मतलब आप सवाल पूछिए, आप बात पूछिए तो बात का जवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपसे उल्टा ही सवाल कर लिया जाएगा, उल्टा ही आपको अपमानित कर दिया जाएगा। जो सम्मान मिल रहा है चुपचाप सम्मान को लेते रहिए और चुपचाप जय जय कार करते रहिए, नारे लगवाते रहिए, जैसे उसने कहा
कि ताली बजवाई जा रही, सम्मान दिलवाया जा रहा है, हो हल्ला जयकारा लगवाया जा रहा है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे बच्चों का पेट नहीं भरने वाला। उस महिला ने पोल खोल कर रख दी है। मनोज तोमर ने वीडियो ट्वीट किया है, 15 सितंबर को यह वीडियो ट्वीट किया गया है, और लिखा है कि सफाई कर्मी महिला ने योगी जी को बोला सम्मान से पेट नहीं भरता, वेतन बढ़ोतरी का ज्ञापन भी दिया है। वेतन बढ़ोतरी ज्ञापन दिया कि सर वेतन के बारे में भी देख लीजिए, इससे कुछ नहीं होता है। अगर आप इसके बारे में नहीं सोच रहे तो फिर गलत है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि मोदी जी ने भी ये कहा था कि सफाई कर्मी कोरोना वॉरियर्स हैं, तो वॉरियर्स का सम्मान तो करना चाहिए, जो एक योद्धा की तरह लड़ा हो। अगर योद्धा का सम्मान नहीं होता तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा। अब इस पर कुछ रिएक्शंस भी आए, उनकी बात कर लेंगे, लेकिन दूसरी बात सबसे बड़ी है जो करने जा रहे हैं हम, कि आखिरकार प्रयागराज में छात्रों को मसाल लेकर सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा, अपने आप में बड़ा सवाल है। पहले आप जरा ये वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद हम आप बताएंगे कि आखिरकार ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्यों सड़कों पर मशाल लेकर प्रयागराज में छात्र सड़कों पर उतर आए, और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कहीं और के नहीं, जिसके बारे में ऐतिहासिक तथ्य भी हैं, ऐतिहासिक बातें भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में हैं, वहां के छात्र हैं जो सड़कों पर उतरकर मशाल लेकर उतरे हैं, मशाल जला रहे हैं। तो जरा वीडियो पहले देख लीजिए। अब ये मशाल यात्रा क्यों निकाली गई? दरअसल ये फीस वृद्धि को लेकर एक विरोध था। लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाई जा रही है, जिसको लेकर यह मशाल जुलूस निकाला गया है, और बुद्धि शुद्धि का यज्ञ भी किया गया है। मशाल यात्रा निकाली गई, उसके साथ साथ ये जो है मतलब उसके बाद बकायदे जो है यज्ञ भी किया गया है। दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ा दी गई है, 400%, आप समझिए, अंदाजा लगाइए, यानी जहां 1 रुपए फीस लेगी वहां 400 हो जाएगी, आप अंदाजा लगाइए कि 400% बढ़ोतरी हुई। इसका विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े लोगों ने यह किया है, प्रदर्शन किया है, और साथ ही साथ मुख्य गेट पर तालाबंदी करके बुद्ध शुद्ध यज्ञ भी किया है। शाम को छात्र संघ संयुक्त मोर्चा ने मशाल जुलूस निकाला, और 10वें दिन छात्रों का आमरण अनशन भी जारी है, लेकिन कोई भी इस पर सुनने को तैयार नहीं, योगी आदित्यनाथ जी सुन नहीं रहे। सफाई कर्मी कह रही कि वेतन बढ़ा दो, तो वेतन बढ़ाने की बजाय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों की फीस बढ़ा दी जा रही है। अब जरा अंदाजा लगाइए किस तरीके काम किया जा रहा है। अब फीस कितनी बढ़ी है, उपेंद्र उन्होंने ट्वीट किया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% तक फीस बढ़ा दी गई है, विरोध में छात्र मसाल के लिए सड़कों पर आ गए हैं। अब देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बकायदे फीस ये बताई गई किस तरीके से ये फीस बढ़ाई जा रही है, आप इसका अंदाजा लगाइए। देखिए ये जो आंकड़ा आपके सामने, बीए सब्जेक्ट जो है बीए का है, पहले जो फीस थी वो 975 रुपए थी, आज की डेट में 3,700 रुपए फीस हो गई है। तो बीए की फीस आपने देख ली, बीए के साथ साथ आप बीकॉम की बात कर लेते हैं। बीकॉम की जो फीस थी वो भी 975 रुपए थी पहले, अब उसको कर दिया गया है 3,901 रुपए। बीएससी की जो फीस थी वो 1,125 रुपए पहले थी, अब 400% वृद्धि के साथ वो हो गई है 4,651 रुपए। एमए की जो फीस थी वो 1,375 रुपए थी, जो अब हो गई है 4,651 रुपए, यानी ये 400% की बढ़ोतरी जो कर दी गई है, जो गरीब छात्रों पर एक तरीके का ये भरमार मारी गई है, दोहरी मार है। एक तरफ तो रोजगार नहीं मिल रहा, उसको लेकर लगातार सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, आपने देखा उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले क्या स्थितियां बन गई थी, और अब बच्चों को पढ़ने के लिए भी इतनी ज्यादा मतलब 400% वृद्धि करने के बाद उन्हें ये चुकाना पड़ेगा, तब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो पाएगी। लगातार छात्र इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, 10 दिन छात्रों का आमरण अनशन भी इस पर हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। फीस वृद्धि के विरोध में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने छात्र संघ भवन से चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा है वहां तक मशाल जुलूस निकाला। आंदोलन को समर्थन देने मेरठ के विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की प्रतिभा को लगातार दबाने का काम कर रहा है। आप समझिए यह किस तरीके से लगातार जो है यह प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या हो रहा है, यह आपको भली भांति सब एकटक दिखाई दे रहा है। ये कैसे लगातार फीस वृद्धि का विरोध कर रहे छात्र मशाल लेकर सड़कों पर उतर आते, लेकिन फिर भी उनकी नहीं सुनी जाती है, फीस वृद्धि कर दी जाती है, लेकिन जिस चीज में वृद्धि करने के लिए कहा जाता है वो वृद्धि नहीं होती है। एक महिला सफाई कर्मी कहती है कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए साहब, सम्मान से काम नहीं चलता है। तो वहां तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है, वहां बल्कि अपमानित करके नीचे उतार दिया जाता है। लेकिन जहां पर यह कहा जाता है कि नहीं बढ़ाना चाहिए, छात्र पढ़ सके वहां फीस ना बढ़ाओ, तो वहां बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो ये जो दोहरी मार जो जनता पर डाली जा रही है, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं।
जहां काम नहीं है वहां बढ़ोतरी हो रही है, और जहां बढ़ोतरी होनी चाहिए वहां बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।